निवासी। तो बाकी पूछेंगे कि हम क्या है। आदरणीय बंती जी, प्रदीप अग्लवी जी, डोगरा जी तथा मेरे साथियों, धर्म परिवर्तन तो हुआ, विचार परिवर्तन नहीं हुआ। और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने जो सपना देखा था भारत को बौद्धमय करने का, वो विषय आज हमारे सामने है। और ये विषय मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग विषय रहा है, जिस पर मैं पूरे महाराष्ट्र में और अवसर मिलने पर महाराष्ट्र के बाहर भी चार चार घंटे बोलता हूं। और यहां मुझे पौन घंटे में बोलना है, 45 मिनट्स। इसके पहले मैं जब बोल रहा था तो इसी विषय को लेकर कुछ संकेत मैंने दिए थे। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हूं मगर हिंदू धर्म में नहीं मरूंगा। और फिर पूरा अध्ययन करने के बाद उन्होंने धम्म का स्वीकार किया और उनके पीछे जाकर लाखों लोगों ने धम्म का स्वीकार किया। सब लोग उसको धर्म परिवर्तन कहने लगे, जो मुझे मंजूर नहीं है। इसके पहले भी मैं कह चुका हूं कि जिसका कोई धर्म नहीं था, वो अगर किसी धर्म को अपनाता है तो वो धर्म परिवर्तन नहीं होता। अज्ञान को दूर करना ज्ञानी होना होता है, मगर ज्ञान अगर है और फिर से ज्ञान मिलता है तो ज्ञान प्लस हो जाता है, ज्ञान में परिवर्तन हुआ ऐसा नहीं होता है। धर्म परिवर्तन का मतलब यह नहीं है कि एक घर छोड़ दो और दूसरे घर में चले जाओ। धर्म परिवर्तन का यह मतलब नहीं है कि एक कपड़ा फेंक दो और दूसरे कपड़े को चढ़ा लो। धर्म परिवर्तन का मतलब यह नहीं है कि एक महीने से खाना खा रहे थे तो उसको बदल दो और दूसरा खाना खाना शुरू कर दो। धर्म परिवर्तन का मतलब होता है मन परिवर्तन, मानसिकता का परिवर्तन, और उस प्रकार हमारे कृति का परिवर्तन, व्यवस्था का परिवर्तन। 2500 साल पहले जब तथागत गौतम बुद्ध ने धम्म की स्थापना की, वह धम्म की स्थापना उन्होंने जो की, उस वक्त जो वैदिक धर्म था, उस वैदिक धर्म को पर्याय व्यवस्था देने के लिए किया था। उनका ऐसा क्यों करना पड़ा? तो वैदिक धर्म में जो यज्ञ संस्कृति थी, जो यज्ञ संस्कृति के नाम से इस मूल निवासियों को बहुत बुरी तरह से लताड़ा जाता था, उनका छल होता था। यज्ञ संस्कृति में ईश्वर को प्रसन्न करने की बात कही है, और ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ में पशु की बलि चढ़ाना, पेड़ पत्तियों की बलि चढ़ाना और इंसानों की भी बलि चढ़ाना, यह सारा का सारा बताया गया था। और उस वक्त उस प्रकार का वैदिक धर्मियों से कृत्य होता था, उसका विरोध लगातार विरोध होता गया। अगर आप वैदिक संस्कृति में जो यज्ञ संस्कृति है उसका इतिहास देखें तो उसमें नरमेध यज्ञ भी है। नरमेध यज्ञ, ऐतरेय ब्राह्मण पुराण अगर आप पढ़ते हैं तो ऐतरेय ब्राह्मण पुराण में ये नरमेध यज्ञ के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी गई है। ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए मनुष्य को जलाओ, पशुओं को जलाओ, और हमारी जो जीवनावश्यक जरूरतें होती थी उसको जलाओ। ये तो बड़ी अजीब बात है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए हिंसा करो। सवाल यह भी खड़ा होता था कि अगर यज्ञ में किसी मनुष्य को जलाने से ईश्वर प्रसन्न होता है तो फिर ब्राह्मण को क्यों नहीं जलाओ? यज्ञ संस्कृति को लेकर जो भी वैदिक वाङ्मय हमें प्राप्त होता है उसका अध्ययन अगर आप करते हैं तो कहीं पे भी ऐसा लिखा नहीं है कि
ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ में किसी ब्राह्मण को जलाइए, किसी क्षत्रिय को जलाइए या किसी वैश्य को जलाइए, मगर शूद्र अति शूद्र को जलाने की बात है। तथागत गौतम बुद्ध ने देखा कि इस यज्ञ संस्कृति के कारण इस देश का जो मूल निवासी है बहुत पीड़ित है, उसको जानवर के जैसा उसके साथ व्यवहार किया जा रहा है, उसको अज्ञान में रखा जा रहा है। तो इन सारे छल से मुक्ति देने के लिए तथागत गौतम बुद्ध ने वैदिक धर्म को जो पर्याय दिया उसका नाम है धम्म। तथागत गौतम बुद्ध ने यह भी देखा कि धर्म का केंद्र बिंदु अगर ईश्वर की प्राप्ति करना है, आत्मोन्नति है, और ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए किसी की हिंसा की जाती है और आत्मोन्नति के लिए अपनी ही हिंसा की जाती है, जैसे कि उपवास रखे जाते हैं। उपवास रखने का मतलब क्या होता है? अपने ही शरीर का छल करना, और अपने ही शरीर का छल करना इसका मतलब होता है अपनी ही हिंसा करना। तो तथागत गौतम बुद्ध ने जब देखा कि इस धर्म का केंद्र बिंदु ईश्वर और आत्मा है और उसके लिए हिंसा का शिकार किया जाता है, तो सबसे पहले तथागत गौतम बुद्ध ने धम्म का जो प्राण तत्व रखा हिंसा को विरोध किया, हिंसा को विरोध किया। उन्होंने देखा कि समाज की प्रगति हो या राष्ट्र की प्रगति हो, वो सिर्फ मनुष्य से होती है, किसी जानवरों से नहीं होती, किसी पंछियों से नहीं होती, पर्वतों से नदियों से नहीं होती, तालाब सागरों से नहीं होती। जिसको हम प्रगति कहते हैं वो प्रगति पूर्णतः मनुष्य से संबंधित होती है। संस्कृति जिसे हम कहते हैं वो मनुष्य से संबंधित होती है। सभ्यता हम जिसे कहते हैं वो मनुष्य से संबंधित होती है। और जिसको हम व्यवस्था कहते हैं व्यवस्था भी मनुष्य से संबंधित होती है। अगर संस्कृति सभ्यता और व्यवस्था मनुष्य से संबंधित है तो उस संस्कृति सभ्यता और व्यवस्था में मनुष्य का ऊंचापन होना चाहिए, जिसको हम सृजनात्मकता कहते हैं। तो इसीलिए फिर उन्होंने दुख मुक्ति का मार्ग बताया। दुख मुक्ति का मार्ग बताने के पहले उन्होंने इस बात का अध्ययन किया कि हमारे मूल निवासी भारतीयों में दुख की निर्मिति क्यों होती है। तो उन्होंने देखा कि अज्ञान है, तब उन्होंने उद्घोष किया आत्मदीप भव। अज्ञान के अंधकार से निकलने के लिए खुद अपना प्रकाश दिया बनो, ज्ञान दीप बनो। और उसी परंपरा को चलाया महात्मा ज्योतिबा फुले ने, उन्होंने कहा विद्या बिना मति गेली। उसी परंपरा को चलाया छत्रपति शाहू महाराज ने, उन्होंने कहा कि बहुजनों को शिक्षा मिलनी चाहिए ताकि उनको दूर हो जाएगा और ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा, उनकी जिंदगी बदल जाएगी, उनकी प्रगति हो जाएगी। और वही सूत्र शिका संगठित हुआ, संघर्ष करा करके संदेश दिया बाबा साहब ने। तो यह संदेश देते वक्त उन्होंने देखा कि फिर ये जो मूल निवासी भारतीय है उनमें अगर ज्ञान को बढ़ावा देना है तो कौन सी ऐसी व्यवस्था होती है कि जो ज्ञान का समर्थन करती है। तो उन्होंने देखा कि तथागत गौतम बुद्ध का धम्म ज्ञान का समर्थन करता है। उन्होंने यह भी देखा कि धर्म का संबंध किससे होता है, वो मन से होता है, मानसिकता से होता है। इसलिए कि मनोव्यापार के बिना देह व्यापार नहीं होते, मनोव्यापार के बिना देह व्यापार नहीं होते। यह भी तथागत गौतम बुद्ध ने उस वक्त देखा था। और इसीलिए बौद्ध धम्म का जो पूरा का पूरा तत्व ज्ञान है वो मनोविकार से संबंधित है, मनोव्यापार से संबंधित है, मनोविकास से संबंधित है। मैं तो यह कहता हूं कि दुनिया में सबसे बड़ा अगर मानव शास्त्र कौन है तो वो तथागत गौतम बुद्ध है। बाबा साहब ने अध्ययन के बाद जब बाबा साहब को पता लगा कि
आज इसकी जरूरत है। यहां का जो पीड़ित मूल निवासी है, शोषित मूल निवासी है, दलित मूल निवासी है, वो क्यों शोषित पीड़ित दलित है? तो उसकी मानसिकता गुलामी की बन गई है, उसकी बौद्धिकता गुलामी की बन गई है। और जब तक कि उसकी गुलामी की मानसिकता को खत्म नहीं करते, बौद्धिकता को खत्म नहीं करते, तब तक कि उसका किसी हालत में विकास नहीं हो सकता। और इसीलिए उन्होंने जब धर्मांतर की बात की, जब हिंदू धर्म छोड़ने की बात की, तब उन्होंने देखा कि सिर्फ धम्म एक ही ऐसी ताकत है, ऐसी वैचारिक ताकत है, ऐसी मानसिक ताकत है, ऐसी बौद्धिक ताकत है कि जो आम आदमी को उसकी हालात से उठाकर ऊंचा बना सकती है। किंतु हम क्या देखते हैं, कुछ उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। मेरे एक प्रोफेसर मित्र है, दलित समाज से है, उन्होंने बौद्ध धर्म का स्वीकार किया। उन्होंने एक अपना नया घर बनाया तो गृह प्रवेश के दिन कई लोगों को उन्होंने खाना खाने के लिए बुलाया, मुझे भी बुलाया। मैं गया उनके घर, मेरी जीवन साथी भी मेरे साथ थी। हम जैसे गए, वो दरवाजे पे खड़े थे, मैंने मेरे प्रोफेसर मित्र और उनकी मिसेस का स्वागत किया, उन्होंने हमारा स्वागत किया और हम सीधे जहां खाना था वहां चल बसे। तो उन्होंने कहा कि सर थोड़ा अंदर आइए। तो मुझे लगा कि वो नया बना हुआ घर मुझे दिखाना चाहते हैं कि देखो मैंने कितना अच्छा घर बनाया। मैं उनके साथ गया तो उन्होंने हॉल में ले गए, और हॉल में क्या दृश्य था, तो जैसे हिंदुओं में सत्यनारायण की पूजा की जाती है, नया घर बनवाया सत्यनारायण की पूजा, बच्चे की शादी है सत्यनारायण की पूजा, शादी हो गई हनीमून का दिन है सत्यनारायण की पूजा, बच्चा पैदा होता है सत्यनारायण की पूजा, उसका नामकरण होता है सत्यनारायण की पूजा। मैंने अशोक डोगरा जी से पूछा कि मैंने बोला कश्मीर में सत्यनारायण की पूजा होती कि नहीं, तो बोले बड़े धूमधाम से होती है क्योंकि महाराष्ट्र में तो होती है, मुझे जानकारी नहीं थी। तो मैंने चलो कश्मीर में होती होंगी तो यूपी बिहार में भी होती ही होगी। जब मैंने उनके यहां देखा कि जैसे किसी हिंदू ओबीसी के घर में सत्यनारायण की पूजा होती है, उनके घर में परित्राण पाठ उसी प्रकार से किया गया था, चौरंग रखा गया था, उसके आम की पत्तियां लगी हुई थी, एक तांबे का लोटा रखा हुआ था, उस पर नरियल रखा था, उस पर पीपल की पत्तियां रखी थी, और पीछे बाबा साहब की और तथागत गौतम बुद्ध की मूर्ति रखी थी, उसके नीचे गेहूं और चावल भी रखे हुए थे। तो मैंने उनको पूछा कि सर ये क्या है, तो बोले परित्राण पाठ किया उसका है। तो मैंने बोला सत्यनारायण में और इसमें क्या फर्क है? तो उन्होंने कहा कि मला मराठी में बता था, बाद में हिंदी में बता, मला वाटलस मने सर तुम्हें ऐसी तैसी कराल। उन्होंने कहा कि मुझे लगा ही था कि सब सर मेरी आप हजामत करेंगे क्योंकि आपको ये पसंद नहीं है। तो मैंने बोला तो ये तो हिंदुत्व की भ्रष्ट नक्कल है। हिंदुत्व की भ्रष्ट नक्कल से अगर हम छुटकारा नहीं पा सकते तो फिर दीक्षा भूमि जाने का कोई मतलब नहीं है, धम्म स्वीकारने का कोई मतलब नहीं है। दूसरा एक और मेरा अनुभव बताता, साकोली भंडारा जिले में साकोली नाम का एक तालुका है, वहां के एक बौद्ध विहार के लिए मैं, मेरी मिसेस मोहम्मद देशमुख और भंते नागार्जुन सुरई ससई गए। 15-16 हजार लोग जम गए थे, बहुत अच्छा विहार उन्होंने बांधा। जैसे गए हमारे जवान साथी दौड़ते और बोले कि कड़ू सर जल्दी चलो। मैंने बोला क्या हो गया, सवर्णों ने कोई गड़बड़ तो नहीं की? नहीं, बोले सवर्णों ने कोई गड़बड़ नहीं की। फिर तकलीफ क्या है? तो बोले अपने आप आंखों से देखो। मैं विहार में गया, कुछ महिलाएं बैठी थी और सब इनके गौतम बुद्ध आ गए। बोले आप कोई कुछ जगह बाबा साहब भी आंग में आते हैं, बड़ी अजीब बात, न जाने कौन कौन आंग में आएगा। मैं जोर से चिल्लाया, मैंने बोला ये बंद करो, ये धम्म में नहीं है।
तो जैसे मेरी आवाज हुई वो महिलाएं तो भाग गई।